बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को धमाके की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम कैफे में विस्फोट कम तीव्रता वाले आईईडी से हुआ है। डिवाइस एक ग्राहक के बैग के अंदर रखा हुआ था। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में एक व्यक्ति कैफे के अंदर बैग रखते दिख रहा है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर 1 बजे बम विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। बम स्क्वाड, फॉरेंसिक और एनआईए की टीम विस्फोट की जांच कर रही है। घटना के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड और व्हाइट फील्ड पुलिस ने दावा किया कि उन्हें सिलेंडर में विस्फोट होने की सूचना मिली है। शाम 5:30 बजे खुद सीएम सिद्धारमैया ने बताया, यह एक लो इंटेंसिटी का आईईडी ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया, जिसके बाद विस्फोट हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी जांच में सामने आया है कि किसी शख्स ने 12 बजे के आसपास एक बैग रखा था, जिसके बाद इसमें ब्लास्ट हुआ और इससे 8 लोग घायल हो गए। हम लोग सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। हमें पता चल गया है कि किसी ने वहां जानबूझकर बैग रखा था। ये एक इम्प्रोवाइज्ड ब्लास्ट है, ये नहीं होना चाहिए था और हम सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। साथ ही सीएम ने कहा, इस पूरे मामले को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम विपक्ष से ये मांग करते हैं कि हमें इस मुद्दे पर सहयोग करे। ये एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। वहीं राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि धमाका एक सिटिंग एरिया में हुआ, हालांकि वहां कोई सिलेंडर नहीं था। मामले की जांच की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। कैफे में धमाके वाली जगह से बैटरी, जला हुआ बैग और कुछ आईडी कार्ड मिले हैं।